हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिवाज फैशन बुटीक। आज मैं आपको स्टेप टॉप बनाना सिखाऊंगा जिसमें से नीचे से गोल चाक हैं और ये मीडियम साइज टॉप है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैंने चार फोल्ड किया हुआ है, कपड़े को चार बार फोल्ड किया हुआ है। इसकी जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो 14 इंच है। लंबाई मैंने 30 इंच रखी है टॉप की। 30 इंच आपको लंबाई रखनी है, जितनी आपको चाहिए। ऊपर से आपको 5 इंच तीरा रखना है। नीचे की तरफ आपको 6.5 इंच पर सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपका बड़ा साइज है तो थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा कर सकते हैं, पर 7 से ज़्यादा ना जाएं। 6.5 इंच पर ही इसको रखें। इसके बाद मैं आपको नाप बता देता हूँ इसका। जैसे कि मीडियम साइज टॉप है तो 40 इंच इसकी चेस्ट रखेंगे, 36 इंच इसकी कमर है और 42 इंच इसकी हिप है। अब हम इसका नाप ले रख लेते हैं। तो 34 से 40 का हो जाएगा 10 इंच। और मैं इसकी कमर जो है उतारूंगा 15 इंच पर। 15 इंच पर मैंने इसकी कमर रखी हुई है और जो इसकी हिप लाइन है वो उसको रखा है मैंने 22 इंच पर। तो इसका चौथा हिस्सा ऊपर 10 इंच हो गया था और 36 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 9 इंच और 42 का चौथा हिस्सा हो जाएगा आपका 10.5 इंच। अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरीके से। इन सबको आपस में, नीचे को आपको बिल्कुल फ्री रखना है पूरा जितना आपका हो। जब तक मेरे हिसाब से, अगर जैसे कि आपकी हिप 10.5 इंच है तो 3 इंच और एक्स्ट्रा रखें, आपका ए लाइन चाक में आ जाएगा। चाहे वो कुर्ता हो चाहे वो आपका टॉप हो, दोनों चीज़ों में ये सफिशेंट होगा। उसके बाद जो ऊपर वाली जो बीच की लाइन है इसका हम आधा कर लेंगे, यानी कि जैसे कि 6.5 इंच था तो लगभग आपको 3.25 इंच पर इसको रख लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर मैं इसकी गले की गहराई 5.5 इंच रखूँगा। अगर आपको ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब इस निशान को और जो बीच का निशान हमने लगाया था, इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। और इस निशान को इस तरीके से, जैसे हम मुंडे ही गोलाई देते हैं उसी तरीके से मुंडे ही गोलाई देनी है, लगभग 1.5 इंच के गैप पर, जो बीच का कोना है उसके 1.5 इंच गैप पर। यहाँ पर हम मार्जिन जो रखेंगे 1 इंच रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखना है, 1 या 1.5 इंच, इससे ज़्यादा मार्जिन ना रखें। 1.5 इंच का निशान लगा दिया है मैंने और इसको आपस में मिला लेंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हम आधे में रखेंगे और इसको 3 इंच ऊपर की तरफ घुमा देंगे गोलाई में, जिस क्योंकि हमें गोल चाक में टॉप चाहिए तो इसलिए इसको 3 इंच ऊपर की तरफ घुमा देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर कुटके लगा लेंगे और इस तरीके से हमारे टॉप की जो है स्टेप टॉप की कटिंग हो चुकी है, देखिए इस तरीके से। अब इन फिटिंग वाले निशान को हम दूसरी तरफ भी इस फिटिंग के निशान पर छाप लेंगे, जिससे कि आपको फिटिंग लगाते समय प्रॉब्लम ना हो। बस इन्हीं निशानों पर आपको फिटिंग लगानी है। अब यहाँ पर हमें उरेप की पट्टी लगानी है, तो सबसे पहले हम उरेप की पट्टी काटेंगे। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड में कपड़ा लिया हुआ है, इसको आप ऐसे करके तिकोने में फोल्ड कर लेंगे, जिससे कि आपकी उरेप की पट्टी आराम से कट जाए। उरेप की पट्टी लगभग आपको 1 से 1.5 इंच, 1 इंच नहीं 1.5 इंच ले लें, 1.5 इंच ही काफ़ी होगी। 1.5 इंच पट्टी चौड़ी आप काट लेंगे। तो दोस्तों ये मैंने उरेप की पट्टी जो है वो काट ली है और इस पर इस तरीके से हम उल्टी तरफ लगानी है। मैं आपको बताऊँ, जैसे रेडीमेड स्टाइल में पट्टियाँ लगी रहती हैं रेप की, उस तरीके से हम लगा के दिखाएंगे। तो चलिए मशीन पर। तो इस तरीके से मैंने जो है ये इस तरीके से जोड़ लिया है दो पट्टियों को, क्योंकि एक पट्टी सफिशिएंट नहीं होगी। तो मैंने उल्टी तरफ से टॉप रखा हुआ है और ये भी उल्टी रखनी है पट्टी को भी रेप की, और इस पर एक पैर का लगभग पूरे में सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पर देखो कोने पर आपको सिलाई रोक करके लगानी है जिससे कि कोना अच्छे से बन जाए। देखिए इस तरीके से, अगर कोना ढंग से नहीं बनेगा तो फिर टॉप में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आपको रोक करके मशीन और इस तरीके से कोना बनाना है। तो दोस्तों मैंने पट्टी ये जल लगा ली है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको आपको मोड़ना कैसे है। तो हम आपको इसलिए इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से, और सीधा करने के बाद इसको इस तरीके से मोड़ना है। ये रेडीमेड स्टाइल में आपको पट्टी लगानी है, इसी तरीके से मैं दूसरे पल्ले में भी लगानी है पट्टी। देखिए किस तरीके से आ रही है, कोना भी ढंग से बन गया है। इस तरीके से हम इसमें पट्टी लगा लेंगे, और लगाने के बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमने क्या करनी है, इसे फिटिंग मार लेनी है। जो निशान मैंने फिटिंग का आपको दिखाया था उसी निशान पर हम इसमें फिटिंग मार लेंगे, दोनों की दोनों तरफ, एक तरफ इधर और दूसरी तरफ इधर। ठीक है, फिटिंग मैंने लगा चुका हूँ। तो अब देखते हैं इसमें ऊपर जो है इसको मैंने पलट लिया, पलटने के बाद इस पर मैंने ये स्टेप बनाई हुई है, लगभग एक सवा पैर की, लगभग आधे इंच की जो है डोरी बनाई है। इस तरीके इसमें डोरी लगा लेंगे, और डोरी लगाने के बाद हमारा टॉप इस स्टाइल में आता है। मैंने ये फिक्स डोरी नहीं रखी है, बांधने वाला टॉप बनाया जिसमें स्टेप बांधने वाली होती है, आपने रेडीमेड में भी देखा होगा उस तरीके से ये टॉप बन चुका है। तो हम ये डोरी आपस में इस तरीके से जब पहनेंगे तो इस तरीके से बांध लेंगे, ऊपर से गांठ लग जाएगी इसमें, बहुत ही सुंदर लगेगा टॉप बनने के बाद, सॉरी पहनने के बाद। इस तरीके से हमारा टॉप बन करके तैयार हो चुका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप उससे पूछ सकते हैं।